पालीगंज में साइबर अपराधियों ने माले विधायक का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है। इसकी जानकारी विधायक को तब लगी जब उनके अकाउंट से आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट हुईं। आपको बता दें कि पटना के पालीगंज से संदीप सौरभ माले विधायक हैं, जिन्हें सोमवार को अपना फेसबुक अकाउंट हैक होने की जानकारी हुई। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उनके फेसबुक अकाउंट से कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर हुई हैं, जिसके बाद विधायक ने आनन फानन में खुद जांच पड़ताल की, तब उन्हें मामले की सच्चाई का अंदाजा हुआ। अकाउंट हैक होने की जानकारी मिलते ही माले विधायक ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। विधायक संदीप सौरभ ने मनेर थाने में अकाउंट हैक होने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा उन्होंने फेसबुक को भी मेल कर इस संबंध में जानकारी प्रेषित की है। साइबर क्राइम किसी न किसी रूप में हर दिन सामने आ रहा है, चाहे वो बैंक से पैसा उड़ाने का मामला हो या फिर किसी की आईडी हैक करने का। इस डिजिटली युग में कोई न कोई हर दिन साइबर क्राइम की चपेट में आ रहा है। हैकर सब नेताओं को भी अपनी लपेटे में लेने लगे हैं। ये चौंकाने वाला मामला पालीगंज में सामने आया, जहां हैकरों ने पालीगंज विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक संदीप सौरभ का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया। हैकर्स ने विधायक संदीप सौरभ के फेसबुक अकाउंट से न केवल छेड़छाड़ की, बल्कि आतंकी संगठन ISIS की कई फोटो भी अपलोड कर दिया। इससे एक और विधायक की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। साथ ही हैकर्स के इस कदम से सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई। पटना की पालीगंज सीट से भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ की फेसबुक आईडी से आतंकी संगठन ISIS की कई फोटो डाली गई। हालांकि जल्द ही स्पष्ट हो गया कि उनका अकाउंट हैक किया गया है। CPIML पुलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन ने बताया कि CPIML संदीप सौरभ का फेसबुक पेज हैक हुआ है। वह इसमें कुछ भी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। हम लगातार उनके पेज पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में संदीप सौरभ CPIML के टिकट पर पटना से सटे पालीगंज विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए। JNU दिल्ली के प्रोडक्ट हैं और वहां से हिंदी में PhD की है। JNU छात्र संघ में 2013-14 में जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए संदीप ने क्राउड फंडिंग कर पैसे जुटाए। संदीप उन नेताओं में हैं जिन्हें इस बार लेफ्ट ने राज्य में चुनावी मैदान में उतारा था। यह जानते हुए भी कि राजनीतिक सफर कठिन है, संदीप अपने इलाके में काफी समय से लोगों के बीच काम कर रहे थे। 2015 में यह सीट RGD ने जीती थी। इस बार बामदल भी महागठबंधन का हिस्सा थे, इसलिए यह सीट CPIML को मिल गई। संदीप सौरभ को यहां चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे 15,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे।